हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी। ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाना कह सकते हैं बहुत आसान है, अगर आपको उसकी टिप्स सारी पता हैं और आपको व्हाइट सॉस बनाना आता है तो। आज इस वीडियो में मैं आपको व्हाइट सॉस बनाना भी बताऊँगी, आप घर पर व्हाइट सॉस कैसे बना सकते हैं। अगर व्हाइट सॉस बना लिया आपने तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो भी चीज़ें हैं इसमें छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से वो मेरे देख सकते हैं वीडियोस। तो चलिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पास्ता, और यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी रखा है और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा एक चम्मच ऑयल। इसमें हम बॉईल करेंगे अपना पास्ता, तो पहले हम इसमें थोड़ा उबाल आने देते हैं, एक उबाल आने देंगे उसके बाद हम पास्ता डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ये लंबे वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए काफ़ी अच्छा बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता कई तरीके का आता है शेप में, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं जब तक हम अपनी थोड़ी जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल और उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी चॉप बारीक चॉप की हुई अदरक और थोड़ी ग्रीन चिली, और इनको मिक्स कर लेंगे। हल्का गोल्डन करना है हमें, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है। और अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गाजर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, और ये कुछ कॉर्न लिए हैं जो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा, और इनको हम पकाएंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, हमें सिर्फ ये सौते करना है। यहाँ देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें जो पास्ता बॉईल करना है सिर्फ 80% ही बॉईल करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बॉईल करना है हमें। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, तो देखिए अंदर से थोड़ा सा हल्का सा ड्राई फील हो रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, पास्ता हमारा टूटना नहीं चाहिए। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उस पर मैं चलाऊँगी थोड़ा ठंडा पानी, ताकि ये कुक जो इनकी कुकिंग है गर्म पानी से वो स्टॉप हो जाए और ये ज़्यादा पके नहीं, क्योंकि जब हम इन्हें उतार लेते हैं उसके बाद भी ये पकते रहते हैं। और ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से सौते हो चुकी हैं, हमें बस इतना ही करना है। अब हम इनसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में अब हम बनाएंगे अपनी वाइट सॉस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बटर, और बटर को थोड़ा पिघलने देंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से पिघल गई है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है, ये टोटल 3 टेबल स्पून है। और इसको अब हम बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे हमें ये मैदा भूननी है। और इसका कलर चेंज होने लग जाए जब, और जब इसमें खुशबू आने लग जाए, समझ लीजिएगा मैदा काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। इसको 3 मिनट के आसपास लग जाते हैं, 3 से 4 मिनट भूनने के लिए। देखिए इस तरह से आप इसको प्रेस कर करके थोड़ा फैला के भूनिएगा, काफ़ी अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें दूध, तो मैंने इसमें 400 ग्राम दूध इसमें ऐड किया है। और ये देखिए इसमें लम्स ना हो, ये जब हम मिल्क डालते हैं तो इसमें थोड़े लम्स बन जाते हैं, वो हमें बहुत स्मूथ करनी है अपना जो सॉस है, इसीलिए वो सारे लम्स आपको हटाने हैं। आप चाहें तो इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। और थोड़ी देर के बाद देखिए सॉस हमारी इतनी अच्छी हो गई है, और इसमें भी मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है, लग रही है ना बहुत ही क्रीमी सॉस। तो ये सॉस ऐसे ही बनाई जाती है। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़े ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़ा मिक्स हर्ब्स।
और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, नमक हर जगह डल रहा है, इसलिए हम नमक की क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा नमक ही डाल रही हूँ मैं हर चीज़ में। इसको मिक्स कर लिया है और ये एक मिनट तक हमें मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पास्ता। तो ये देखिए, पास्ता भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स, पास्ता आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जैसे मैं बना रही हूँ। आप बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो आप पास्ता बहुत ही अच्छी तरह से बना पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी वो सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका पास्ता थोड़ा थिक है तो आप यहाँ पे पानी या थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, अगर आप इसको बना के काफ़ी देर के लिए रख देंगे तो बहुत थिक हो जाएगा। अगर आपको ये रखना है कुछ देर के लिए तो आप इसको थोड़ा पतला करिएगा, पानी या दूध इसमें आप डाल लीजिए। ये देखिए, मिक्स कर दिया है, और अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अपना मोस्ट फेवरेट चीज़। तो इसमें मैं चीज़ काफ़ी सारा डालूँगी। आप चाहें तो सॉस जब बन रही होती है सॉस में भी आप चीज़ डाल सकते हैं, बट मैं उसको पकाने के बाद इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो हमारा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है, देखिए लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, और ये खाने में भी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो आप ये रेस्टोरेंट जैसा पास्ता घर पे ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पास्ता पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप कोई रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए बनाने का। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके अनुभव कैसे रहे, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और नेक्स्ट नई वीडियो लेकर के, एक नई रेसिपी लेकर के मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। जब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और इन्जॉय करिएगा। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।